एवरीवन, वेलकम टू एमपी एकेडमी। आई होप यू आर ऑलवेज फाइन। ओके, तो आज आप लोग को एडिशन ऑफ नंबर मतलब प्लस सिखाऊंगी, जोड़ना कैसे होता है वो सिखाऊंगी। ओके, चलो तो क्वेश्चन में कैसे जोड़ना होता है देखो। फर्स्ट देखो इधर क्या लिखा है। ओ ओ मीन्स क्या होता है? वन। टी टी मीन्स क्या होता है? टेन। एच एच मीन्स होता है हंड्रेड। इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखिए। तो क्या है, वन का ओ, टेन का टी, हंड्रेड का एच। तो नंबर लिखने का ऑल टाइम वन से नंबर लिखना शुरू करने का। तो वन में क्या है? जीरो। टेन में थ्री, हंड्रेड में सिक्स। फिर से नेक्स्ट नंबर टू, फाइव और टू। अभी ऐड करो, जीरो मतलब कुछ नंबर नहीं होता है, तो नीचे जितना नंबर है वो नंबर बैठ जाएगा। तो क्या है देखो, जीरो कुछ नहीं है तो टू है, तो टू बैठा दो, टू है। नेक्स्ट नंबर देखो थ्री, और नीचे नंबर कितना है? फाइव। फाइव से थ्री नंबर, फाइव के बाद थ्री फिंगर लगाओ, थ्री फिंगर लगाए तो कितना है? फाइव के बाद सिक्स सेवन एट। तो कितना कितना लिखने का इधर? एट। आप लोग लाइन खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन खींचने के लाइन नहीं खींच के आप लोग फिंगर में काउंट करो। अभी क्या है? सिक्स, और कितना नंबर है? टू। अभी सिक्स बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के बाद छोटा नंबर देखो, छोटा नंबर कितना? टू। तो टू फिंगर दिखाओ, सिक्स के बाद टू होता है सिक्स सेवन एट। तो लिखने का इधर एट। अब समझ में आया ना? तो टू टू और जीरो, जीरो मतलब कुछ नंबर नहीं होता है इसलिए टू नीचे बैठ गया। अभी फाइव और थ्री, तो ऐड करता है तो फाइव और थ्री कितना होता है? एट। और सिक्स और टू कितना होता है? एट। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट में इधर क्या लिखा है। अभी हम लोग को क्या लिखने का देखो, हम लोग अभी सीखो ना, वन टेन हंड्रेड, हम लोग लिखो तो तुम लोग लिखो, मैं भी लिखो। देखो इधर क्या लिखेगा? वन। और इधर क्या लिखेगा? टेन। और इधर क्या लिखने का? हंड्रेड। ओके, अभी गलत नहीं होता है ऐसे करेगा तो। अभी क्या है, कौन सा नंबर है देखो? फाइव। और कितना है? फोर। फाइव के बाद फोर फिंगर दिखाओ, फाइव है माइंड में रखो फाइव, और फोर फिंगर देखा फाइव के बाद गिनने का। फाइव के बाद क्या होता है? सिक्स सेवन एट नाइन। कौन सा नंबर आएगा? नाइन। फाइव और फोर जोड़ेगा तो कितना नंबर हुआ? नाइन, नाइन हुआ। अभी कितना है? फोर और थ्री। फोर माइंड में रखो और थ्री फिंगर निकालो, थ्री फिंगर निकाला। अभी फोर के बाद गिनो, फोर के बाद क्या होता है? फाइव सिक्स सेवन। तो फोर और थ्री कितना हुआ? सेवन। ओके, नेक्स्ट देखो टू और वन, टू माइंड में रखो और वन फिंगर निकालो, टू और वन कितना होता है? थ्री। वेरी गुड, आप लोग इतना ऐसे प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट नंबर में देखो इधर क्या लिखे है, वन टेन हंड्रेड। फर्स्ट आप लोग ऐसे लिख लेने का तो गलत नहीं होता है। नंबर में क्या है देखो, जीरो, और नीचे भी जीरो है। तो जीरो मतलब कुछ नंबर नहीं होता है ना, जीरो का वैल्यू नहीं है, तो कुछ नंबर नहीं होता तो वैल्यू नहीं होता ना। तो जीरो का नीचे कौन सा नंबर है? जीरो। तो इधर नीचे क्या आ जाएगा? जीरो। अभी नंबर देखो टू, टू का नीचे कौन सा नंबर है? थ्री। टू माइंड में ले लो, माइंड में लिए और थ्री फिंगर निकालो, वन टू थ्री, थ्री फिंगर निकाला। तो टू के बाद क्या होता है? गिनो, टू के बाद थ्री फोर फाइव, कितना हुआ? फाइव। अभी क्या है? फोर, फोर फोर को माइंड में लो और थ्री फिंगर निकालो, थ्री फिंगर निकाला। तो फोर के बाद क्या होता है? फाइव सिक्स सेवन, सेवन। तो जीरो, तो जीरो आता है उसको टू और थ्री को जोड़ेगा तो फाइव आता है, और फोर और थ्री का जोड़ेगा तो सेवन आता है। ओके, चलो नेक्स्ट में
फर्स्ट के है जीरो, जीरो का नीचे ए भी इधर भी जीरो है, तो जीरो का नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा जीरो। ओके अभी क्या है देखो, ऊपर जीरो है और नीचे एट है, तो कौन सा नंबर आएगा? जीरो तो नहीं है, जीरो मतलब कुछ नंबर नहीं है, तो एट है, तो इधर एट आ जाएगा। अभी इधर कितना है? थ्री, और कितना है? फोर। थ्री माइंड में ले लो, उसके बाद फोर फिंगर निकालो, फोर फिंगर निकाला तो उसके बाद गिनो, फोर थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इधर कितना आएगा? सेवन। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर में अभी देखो, ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा देखो कैरी वाला होता है। सिक्स और इधर सिक्स है, सिक्स माइंड में ले लो और सिक्स फिंगर निकालो, एक हैंड में कितना फिंगर है? फाइव फिंगर है, और दूसरा हैंड में और एक फिंगर लेने का है, तो सिक्स माइंड में लिया और सिक्स काउंट करो। सिक्स के बाद क्या होता है? सेवन एट नाइन टेन इलेवन और वन ट्वेल्व। ट्वेल्व का कितना नंबर होता है? ऐसे ट्वेल्व होता है ऑल टाइम। अब लोग फर्स्ट वाला वन होता है ना, वन नंबर वन और टेन, फर्स्ट वन घर का जिस नंबर आएगा उस नंबर को इधर बैठाने का, और ऐसे टेन वाला, टेन का घर पे जिस नंबर आएगा वो बाजू वाला नंबर का ऊपर कैरी करो। समझ में आया? तो कितना है? ट्वेल्व। ट्वेल्व का क्या बैठेगा इधर? टू, और ये क्या है? वन बाकी है, तो वन कौन सा नंबर का ऊपर? इसका टेन का ऊपर आएगा वन, उसको सर्कल बना दो। ये बाजू वाला नंबर है ए, तो उसका ऊपर कैरी करो। अभी क्या है? जीरो, फर्स्ट ए वाला काउंट करो, उसके बाद ए ऊपर वाला जितना नंबर है उसको साथ जोड़ने का। अभी जीरो है ऊपर, जीरो का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो उसके बाद नाइन है, नाइन और वन कितना होता है? नाइन और वन कितना होता है? काउंट करो, नाइन और वन टेन, टेन हुआ, टेन का कितना बैठेगा नीचे? जीरो, जीरो बैठेगा नीचे और ए वन बैठेगा, बाजू वाला नंबर है ये है हंड्रेड घर है, तो उसका ऊपर वन बैठेगा, उसको सर्कल बना दो, तो इसको बोलते कैरी। ओके चलो अभी क्या है, ये कौन सा नंबर है? एट, एट माइंड में लो, इधर कितना है? वन, वन फिंगर निकालो, ऊपर और एक फिंगर नाइन है, तो और एक फिंगर, इधर एट है माइंड में लिया, इधर वन है वन फिंगर निकाला, और इधर वन है तो वन फिंगर निकाला, तो टोटल कितना हुआ? एट के बाद नाइन टेन, टेन लिखो इधर टेन, हो गया। चलो नेक्स्ट में अभी क्या है? एट, एट माइंड में लो और कितना है? सेवन, सेवन फिंगर लो, एट के बाद कितना होता है? आप लोग ऐसे लाइन खींच के भी कर सकते हो, लेकिन लाइन खींचने के नहीं, आप लोग बड़ा हो गए ना तो फिंगर में काउंटिंग करा सीखो। एट के बाद सेवन फिंगर लो, इधर क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो एट के बाद गिनो, एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितना हुआ? फिफ्टीन। फिफ्टीन का कितना बैठेगा नीचे? फाइव बैठेगा नीचे और वन बैठेगा टेन का बैठाया। अभी क्या है, कौन सा नंबर है? फाइव और सिक्स, फाइव माइंड में लो और सिक्स फिंगर निकालो, वन टू थ्री फोर फाइव और वन सिक्स, तो फाइव के बाद गिनो, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन, और ऊपर एक वन है इलेवन का और वन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व का क्या होता है? ट्वेल्व कैसे होता है? ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू बैठेगा नीचे और ए वन हंड्रेड का घर में बैठेगा। तो अभी कितना नंबर है गिनो? फोर, और कितना है? टू, वन टू, टू फिंगर, तो फोर और टू कितना होता है? फोर के बाद फाइव सिक्स और ऊपर एक वन है, सिक्स के बाद वन सेवन है, हो गया। क्लियर हो गया ना आप लोग का? थोड़ा हार्ड है लेकिन अच्छा से समझ लो तो समझ में आ जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करो, मैथ्स क्या होता है? बार बार प्रैक्टिस करना होता है। अभी क्या है देखो, अभी हम लोग टू नंबर का सीखे, अभी थ्री नंबर का सीखने का। अभी क्या है? वन टेन हंड्रेड, तो क्या है? फर्स्ट कौन सा नंबर है? सिक्स, सिक्स
थ्री फाइव, सिक्स के बाद थ्री काउंट फिंगर ले लो, माइंड में रखो सिक्स, उसके बाद थ्री फिंगर लो, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन, उसके बाद क्या है फाइव फिंगर, नाइन हुआ माइंड में रखो नाइन, उसके बाद फाइव फिंगर, नाइन के बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो कितना हुआ फोर्टीन, फोर्टीन का फोर आएगा और वन आएगा, उसके बाद कहेगा देखो अभी क्या है थ्री टू सेवन, थ्री माइंड में लो, उसके बाद टू फिंगर निकालो, टू फिंगर है थ्री के बाद टू कितना होता है थ्री के बाद फोर फाइव हुआ, फाइव माइंड में रखो, अभी सेवन है सेवन फिंगर निकालो, कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, कितना हुआ था फाइव, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और ऊपर वन है, ट्वेल्व के बाद थर्टीन, थर्टीन लिखो, थर्टीन कैसा होता है थर्टीन होता है थर्टीन का थ्री बैठेगा नीचे और बैठेगा वन इधर, अभी कितना है टू, टू और थ्री कितना होता है माइंड में फटाफट प्लस करो, टू और थ्री होता है फाइव और वन सिक्स और वन ऊपर है सिक्स के बाद वन सेवन, क्लियर। अब ये वाला देखो फोर एट वन, फोर और एट कितना होता है माइंड में फटाफट प्लस करो, फोर और एट, फोर और एट कितना होता है ट्वेल्व, ट्वेल्व फॉर वन थर्टीन, थर्टीन का कितना होता है थ्री, वन थ्री थर्टीन होता है, थ्री बैठेगा नीचे वन बैठेगा इधर, तो फाइव सेवन फाइव जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं है तो छोड़ो उसके बाद नहीं करने का, अभी फाइव और सेवन, फाइव और सेवन कितना होता है फटाफट प्लस करो, फाइव और सेवन ट्वेल्व और ऊपर वन है उसको काउंट करेगा, इससे कितना होता है थर्टीन, थर्टीन का थ्री बैठेगा इधर और वन बैठेगा इधर, तो काउंट करो इसके साथ फोर और टू कितना होता है फोर और टू सिक्स, सिक्स और टू सेवन एट, एट होता है और वन नाइन, क्लियर। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो, अभी ये फिंगर से काउंट किया उसके बाद माइंड में काउंट किया, फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करो तो फटाफट माइंड में प्लस कर जाएगा, ऐड को क्या बोलते हैं प्लस करना होता है, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट में, अभी क्या है देखो वन टेन हंड्रेड थाउजेंड है ना, अभी देखो अभी नाइन और एट कितना होता है काउंट करो, नाइन और एट सेवेंटीन होता है, सेवेंटीन का कितना नंबर बैठेगा सेवन बैठेगा नीचे और वन आएगा कैरी में, सेवन वन बैठेगा कैरी में, वन बैठ गया। अभी फाइव और नाइन कितना होता है आप लोग जोड़ो, फाइव और नाइन फोर्टीन और वन फिफ्टीन, फिफ्टीन का क्या बैठेगा नीचे फाइव और वन बैठेगा हंड्रेड का घर में बैठेगा। अभी नाइन और फोर कितना होता है थर्टीन और वन होता है फोर्टीन, फोर्टीन का फोर बैठाओ और ऊपर वन बैठाओ, इस घर में थाउजेंड का घर में कुछ नहीं है तो ये वन नीचे आ जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट में, अभी क्या है लिखा है फिर से देखो वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, अभी क्या है थ्री और फोर कितना होता है जोड़ेगा तो उसको सेवन, ओके अभी लिखो सेवन, अभी टू और सिक्स कितना होता है, टू और सिक्स कितना होता है बोलो, काउंट करो आप लोग एट, वेरी गुड, तो एट लिखो। अभी फाइव और सिक्स कितना होता है इलेवन, इलेवन का वन आएगा नीचे और वन आएगा थाउजेंड का घर, थाउजेंड का घर में कुछ नहीं है तो एस नंबर नीचे आ जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी क्या देखो राइट इन कॉलम्स एंड एट, अभी क्या है आप लोग कौन सा नंबर लिखा है कौन सा घर में बैठेगा
अब लोग बैठाओ। फर्स्ट नंबर के है 209, 1, 9, 19। तो टू कौन सा घर में बैठेगा? 100 का घर में, 1 10 का घर में और 9 1 का घर में। तो बैठने का 2, 1, 9। अभी क्या लिखा है नेक्स्ट में? 158। 100 का घर में बैठेगा 5, 10 का घर में और 8 1 का घर में। 1, 5, 8। ये 1 का घर है, 10 का घर है, 100 का घर है। ये आप लोग बोलो 532 नंबर है। तो 5 कौन सा घर में बैठेगा? 100 का घर में। तो बैठे तो 100 का घर में 5। अभी ये कौन सा नंबर है? 3 है। 3 कौन सा घर में है? 10 का घर में है। तो 3 बैठे तो 10 का घर में। अभी 2 कौन सा घर में है? 1 का घर में है। तो 2 1 का घर में। अभी ये कौन सा साइन है? प्लस है। तो प्लस डालो। क्लियर? तो अभी हम लोग को जोड़ने का, अभी कितना है देखो 9। और एक सिस्टम आप लोग को सिखा रही हूँ, लाइन करके कैसे करता है। 9 तो लाइन लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी कितना है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना है? 2, 1, 2। टोटल गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 का कैसे होता है? 19, 19 का 9 बैठेगा नीचे और 1 आएगा कैरी में। क्लियर? अभी क्या है इधर 1। तो अभी ये फिंगर मिल देखो, ये बीच में देखो 1 है, अदर 5। 5 और 1 कितना होता है? 5। फिंगर देखो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है। 1 के बाद कितना आता है? 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट नंबर कितना है? 3। 3 फिंगर है तो क्या हुआ? 6 था, 7, 8, 9। और ऊपर 1 है, 1 कितना आएगा? 10। 10 का कितना आएगा? 0 और ऊपर आएगा 1। ओके अभी चलो इधर कितना है? 2, 1, 5। 2 है, उसके बाद 1 फिंगर कितना होता है? 2 और 1, 3। उसके बाद 5 फिंगर है, 5 फिंगर निकालो, 3 हुआ। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और ऊपर 1 है, 8 के बाद 1, 9। क्लियर? अभी इधर बैठा दो, इधर क्या लिखा है? 526। 500 तो 500 का घर में बैठेगा और 26, 22 कौन सा घर में बैठेगा? 10 का घर में और 1 का घर में 6 बैठेगा। अभी कौन सा नंबर है? 239। 2 कौन सा घर में बैठेगा? 100 का घर में बैठेगा और 3 10 का घर में बैठेगा और 9 1 का घर में बैठेगा। ओके अभी कौन सा नंबर है? 120। तो 1 कौन सा घर में बैठेगा बोलो? 100 का घर में। और एक है 2। 2 कौन सा घर में बैठेगा? 210 का घर में और 0 1 का घर में। ओके चलो अभी जोड़ो। अभी एक कौन सा साइन है? प्लस है, प्लस साइन दे दो। अभी देखो 6, 9, 0। 0 मतलब कुछ नंबर नहीं है तो 6 है, 6 माइंड में रखो और 9 फिंगर निकालो। एक फिंगर में, एक हैंड में कितना फिंगर है? 5 है, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 है, है? और ऑन और चाहिए और 5 है, 6, 7, 8, 9, 9 हुआ। तो 6 के बाद गिनो, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हुआ। 15 और 0 मतलब कुछ नहीं होता है तो 15 का 5 नीचे बैठेगा और 1 कैरी हो जाएगा। ओके तो चलो उसके बाद क्या है? 2, 3, 2। 2 के बाद 3 फिंगर निकालो, 2 माइंड में रखने का, उसके बाद 3 फिंगर निकालो। 2 के बाद कितना होता है? 3, 4, 5। उसके बाद 2 फिंगर, 5 हुआ था, 6, 7 और 1, 8। क्लियर? अभी क्या है, कौन सा नंबर है? 5। 2, 1।
अभी टू है तो टू फिंगर निकालो, निकाला फाइव के बाद गिनो, जितना नंबर आ गया उसके बाद का नंबर से गिनने का, अपटर नंबर जिसको बोलते हैं। फाइव के बाद सिक्स सेवन, और एक कितना है वन, सेवन के बाद वन एट लगा तो एट, क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर में आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा से याद रहेगा। अभी इधर के है वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, नंबर पढ़ो और लिखो। फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर लिखा है 893, तो 800 बोल रहे, तो 100 का घर कौन सा ढूंढो पहले, एच मतलब 100 होता है, तो पहले हम लोग उसका फुल फॉर्म देख लेते। ओ मतलब क्या था वन, टी मतलब 10, एच मतलब 100, टी एच मतलब 1000, क्लियर। तो उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, वन का ओ, 10 का टी, 100 का एच, 1000 का टी एच, क्लियर। ओके अभी क्या लिखा है 893, 800 तो 100 का घर कौन सा ए है, तो 100 का घर में 8 बैठाओ, 93 तो 90 आएगा, 9 आएगा 10 का घर पे और 3 आएगा 1 का घर पे। अभी क्या नंबर लिखा है 258, तो 258। नेक्स्ट में क्या है 116, 116 होता है, 116। अभी काउंट करो, 390 मिलो, अभी 8 है, 8 फिंगर निकालो, 5 6 7 और 8, तो 3 के बाद 8 गिनो, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फिर से कितना नंबर 6, 11 होता, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17, तो कितना हुआ 17, 17 का कितना नंबर आएगा 7, और ऊपर आएगा 1 कैरी। अभी कितना है, नए नंबर पढ़ो 9 5 1, अभी 9 है, अब 5 के है फिंगर निकालो, 9 माइंड में ले लो, 9 के बाद 5 काउंट करो, 9 के बाद 10 11 12 13 14, 9 के बाद क्या आएगा 10 11 12 13 14 और 1 15, और ऊपर कैरी 1 16, 16 का 6 और ऊपर 1। अभी क्या है, कौन सा नंबर है देखो 8 2 1, 8 है, अभी 2 है तो 2 फिंगर निकालो, 8 के बाद 9 10, फिर से 1 11 और ऊपर कैरी 1 12, 12 होता है, 12 का 2 और ऊपर 1, 1000 का घर में कुछ नहीं है तो क्या बैठेगा 1, और इधर 1 प्लस का साइन था ना, तो पहले प्लस का साइन दे देना। ओके तो अभी आप लोग ऐसे काउंट करो, दो नंबर होता है तो आप लोग को क्लियर नहीं होता है, समझ में आता है, तो दो नंबर बैठा दो पहले, उसके बाद ऑल टाइम 1 का घर का नंबर फर्स्ट 1 का घर में बैठेगा और सेकंड का नंबर 110 का घर का बैठेगा, क्लियर। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो, और ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग मैं जैसे बोली हूँ आप लोग ऐसे बैठा के जोड़ो, हाँ ओके, आप लोग ऐसे बार बार प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाओ, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आएगा। और ऐसे नंबर लिखो, नंबर लिख के नंबर पढ़ो कौन सा घर में बैठेगा, उसके बाद फिंगर निकल के जोड़ो। अभी अभी बड़ा क्लास में है तो आप लोग लाइन खींच के करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर गंदा हो जाएगा, देखिए गंदा हो गया ना, तो इसलिए फिंगर निकल के फिंगर में काउंटिंग करो। ओके क्लियर, आज इतना, तो फिर क्लास दूसरा क्लास में मिलूंगी। ओके थैंक यू, बाय बाय। आप लोग मेरा क्लास में न्यू है तो आप लोग मेरा क्लास का अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।